पूल खेलते समय आप जिन तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे वे है टेबल, पूल बॉल और एक क्यू। आपके पास शायद अलग अलग साइज की क्यूज होंगी, इसीलिए वो वाली चुनें जिसे आप सबसे अच्छी तरह संभाल सकते हो। टिप पर ध्यान दें, ये आपके क्यू का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यही वह नैरो एंड है जिससे आप बॉल्स को हिट करेंगे। टिप्स सख्त या नरम हो सकती हैं। अगर आप अभी इसे खेलना सीख रहे हैं तो मीडियम से लेकर सॉफ्ट टिप वाला क्यू चुनें। बिलियर्ड टेबल भी कई साइज की आती हैं, 7, 8 और 9 फीट। अगर आप छोटी टेबल पर खेल रहे हैं तो छोटे क्यू का इस्तेमाल करना आसान रहेगा। अब आती है पूल बॉल्स। इनमें से 1 से लेकर 15 तक नंबर होते हैं। 1 से लेकर 8 नंबर वाली बॉल्स सॉलिड कलर्स की होती हैं, जबकि 9 से 15 नंबर वाली बॉल स्ट्राइप्ड होती हैं। उनके कलर्स नंबर्स के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। 1 और 9 नंबर वाली पीली है, 2 और 10 नंबर वाली नीली है। फिर हमारे पास लाल, बैंगनी, नारंगी और हरी है। 7 और 15 नंबर वाली मरून है और 8 नंबर की बॉल काली है। क्यू बॉल सफेद है और बाकी बॉल से थोड़ी भारी है। यही वे बॉल है जिसे आप खेल के दौरान सीधे क्यू से हिट कर सकते हैं। आप सफेद बॉल से अन्य बॉल को हिट करके निशाने पर पहुंचाना चाहते हैं। जब आप खेल शुरू करते हैं तो सफेद बॉल को छोड़कर सभी बॉल्स को किसी ट्रायंगल रैक में डाल दें। इसके अंदर सभी 15 बॉल्स सेट कर लें। उन्हें ऐसे अरेंज करें ताकि एक सॉलिड रंग की बॉल और एक स्ट्राइप्ड बॉल उस ट्रायंगल की लास्ट रो के कॉर्नर में हो। काली बॉल थर्ड रो के बीच में रहे। अलग अलग लोग बाकी बॉल्स को अलग तरह से सेट करते हैं। कुछ उन्हें रैंडमली रखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक ऑर्डर में रखते हैं, एक सॉलिड कलर, एक स्ट्राइप वाली। पूल टेबल पर ट्रायंगल को स्लाइड करें ताकि पहली रो की बॉल टेबल के बीच में दिखाई देने वाली लाइट स्पॉट के ऊपर रहे। ये स्पॉट आपको ये बताने के लिए है कि रैक को कहाँ रखा जाए। ट्रायंगल को हटा दें। जो खिलाड़ी सबसे पहले शुरू करता है वो ब्रेक करता है। अगर आप किसी बॉल को पॉकेट में डाल देते हैं तो आप उस टाइप की बॉल को क्लेम करते हैं जो अंदर गई है, सॉलिड या स्ट्राइप्ड। दूसरे खिलाड़ी को दूसरे टाइप की बॉल मिलती है। अगर आप दोनों तरह की बॉल्स को पॉकेट में डालते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी टाइप वाली बॉल चाहिए। जिस भी टाइप की बॉल आपको मिलती है या आप चुनते हैं, खेल के खत्म होने तक आपको उसी बॉल के साथ स्टिक रहना होता है। अब आप दोनों तब तक अपनी बॉल्स को पॉकेट में डालना चाहते हैं जब तक कि केवल बॉल नंबर 8 बाकी रह जाए। अगर आप इसे पहले सिंक करते हैं तो आप जीत जाते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ सफेद वाले को भी सिंक कर देते हैं तो आप हार जाएंगे। सफेद वाली को मेज पर ही रहना होगा। अगर आप अनजाने में किसी दूसरे खिलाड़ी की बॉल को सिंक कर देते हैं तो ये उनका बेनिफिट है। अगर आप बाकी की सभी बॉल से पहले बॉल नंबर 8 को सिंक कर देते हैं तो आप हार जाएंगे। अगर आप सीधे बॉल नंबर 8 पर स्क्रैच करते हैं तो एक बार फिर से आप हार सकते हैं। हर किसी की अपनी पसंदीदा हैंड पोजीशन होती है, इसीलिए आपको उसे पहचानने में कुछ समय लग सकता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो बस स्टिक के बेस को राइट हैंड से पकड़े। अपने क्यू की टिप को उस नैरो एंड को अपनी लेफ्ट साइड में रखें। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो इसका उल्टा करें। आप इंडेक्स फिंगर को स्टिक के ऊपर और अंगूठे को स्टिक के नीचे भी रख सकते हैं। स्टिक को कसकर पकड़ें। इस तरह आप इस पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं। कुछ खिलाड़ी फ्लैटर स्टाइल में स्टिक को उंगलियों के बीच में रखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अन्य खिलाड़ी स्टिक को इंडेक्स फिंगर पर रखना पसंद करते हैं। उस हाथ को ना हिलाएं। जब आप बॉल को हिट करना चाहते हैं तो केवल बैक आर्म को हिलाएं। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज्यादा खुला रखें। आपकी पोजीशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर कोई दोस्त आपको थोड़ा सा पुश करे तो आप गिर ना जाएं। जब आप प्रैक्टिस स्ट्रोक कर रहे हो तो जिस पॉइंट पर आप निशाना लगा रहे हैं उससे अपनी आंखों को क्यू के पॉइंट की ओर से स्विच करें। सोचिए कि आप जिस पॉकेट को निशाना बना रहे हैं उसके सेंटर से होकर एक लाइन जा रही है। जिस बॉल को आप हिट करना चाहते हैं उसके सेंटर से होकर भी लाइन जा रही है। अगर आप ऐसा सोच नहीं सकते तो अपनी क्यू से एक लाइन बना लें। आपको यहाँ एम करना है जहाँ ये दो पॉइंट मिलते हैं। घोस्ट बॉल मेथड नाम का एक तरीका होता है। आप क्यू बॉल को उस जगह इमेजिन करते हैं जहाँ उसे होना चाहिए, जिससे रेगुलर बॉल को अंदर डाला जा सके। इससे आप घोस्ट बॉल को इमेजिन कर पाते हैं और देख पाते हैं कि बॉल को कहाँ भेजना है। हिट करें। इसे सीधे और ताकत के साथ करने की कोशिश करें, क्यू को इधर उधर हिलाए बिना। आसान शॉट्स के साथ प्रैक्टिस करें। कभी कभी आपको जोर से हिट करने की जरूरत होती है और कभी कभी हल्के से टच के साथ बेहतर रहता है।
क्यू को बहुत ज्यादा कसकर ना पकड़े। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपको लग सकता है कि आप इसे जितना कसकर पकड़ेंगे आप उतने ही सटीक होंगे। अगर आप इसे ऊपर कसकर पकड़ते हैं तो निशाना लगाते समय स्टिक का सिरा ऊपर उठ सकता है। इसके अलावा आप गलती से क्यू बॉल को टेबल से बाहर कर सकते हैं। पकड़ को ढीला रखें, लेकिन ये इतनी मजबूत हो कि पूल टेबल से स्टिक को उठा सके। ये आपकी हथेली को नहीं छूनी चाहिए और छोटी उंगली फ्री रह सकती है। इस तरह आपके पास बेहतर कंट्रोल रहेगा। शूटिंग के दौरान बिगनर्स अपने अपर आर्म को अच्छे से हिला सकते हैं। अपनी अपर आर्म और लोअर आर्म के सिस्टम को एक पेंडुलम की तरह सोचें। अपर आर्म हर समय स्थिर और एक सी रहती है। आपकी लोअर आर्म कोहनी के नीचे आपके निशाना लगाने और हिट करने के हिसाब से आगे पीछे होती है। हिटिंग हैंड कोहनी के ठीक नीचे होना चाहिए। फॉरवर्ड स्विंग के साथ स्पीड को कंट्रोल करें। अपने हैंड ब्रिज को स्टेबल करने की कोशिश करें। दो मेन हैंड ब्रिजेस क्लोज्ड और ओपन होते हैं। अपने कम डोमिनेंट हाथ को टेबल पर रखें, हथेली नीचे करें। अपनी उंगलियों को एक साथ दबाएं, अंगूठे को वी शेप में बनाने के लिए इंडेक्स या मिडिल फिंगर के अगेंस्ट दबाएं। यही वो जगह है जहां आप क्यू रखेंगे। ध्यान रखें कि आपका ब्रिज स्टेबल रहे और आसानी से मूव न हो, जिससे आपके क्यू को स्लाइड करने के लिए एक सिक्योर ब्रिज मिले। पूल में लॉन्ग शॉट्स को अवॉइड ना करें। दूरी ज्यादा है और ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये सब आपके दिमाग में है। बहुत सारे खिलाड़ी दूरी ज्यादा होने पर लॉन्ग शॉट्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये सब आपके दिमाग की उपज है। जब आप ट्रू सेंटर को एम करते हैं तो स्ट्रेट शॉट लगाएं और प्रैक्टिस करें। ये ध्यान रखें कि आप सच में बॉल के सेंटर को हिट कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आप इस बात से अनजान रहें कि आप असल में बॉल को थोड़ा राइट या लेफ्ट साइड से हिट कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। बॉल को सीधे टेबल के छोर पर रखें, इसे सेंटर पर और धीरे से मारें। इसे वापस आना चाहिए और आपके क्यू की टिप को छूना चाहिए। अपनी क्यू के लिए चॉक यूज करें। ये आपकी टिप को उस बॉल को ग्रिप करने में मदद करती है जिस पर आप निशाना लगा रहे हैं। कभी कभी पूरी टिप बॉल को हिट नहीं करती है, केवल उसके कुछ हिस्से करते हैं। चौक उससे सुधार करती है और आपकी क्यू बॉल और टिप को बेहतर बनाने में मदद करती है। स्टॉप शॉट करने के तीन तरीके हैं। ठीक सेंटर को हिट करें और देखें कि क्यू इसे फॉलो करे। ये ऐसा है जैसे आप सच में सफेद बॉल से टकरा रहे हैं। आप क्यू को इससे आगे एक्सटेंड होते देखना चाहेंगे। अगर आप इसे धीरे से मारते हैं तो बॉल धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसे फॉलो नहीं करेगी। नंबर दो, इसे सेंटर से थोड़ा नीचे हिट करें। इसे इस तरह से ज्यादा जोर से न मारें क्योंकि ये थोड़ा पीछे जा सकती है। नंबर तीन, एक सॉफ्ट शॉट लें। इस तरह ये आपके बैक स्पिन की एनर्जी खो देगी और सीधे उस बॉल पर स्लाइड करेगी जिसे आप एम कर रहे हैं और रुक जाएगी। ये तब अच्छा रहता है जब आपके पास लॉन्ग शॉट होते हैं। अगर दूरी लंबी है तो आपको इसे बहुत ज्यादा तेज हिट नहीं करना पड़ता है। बैक स्पिन या ड्रॉ बहुत कूल दिखता है और आपको उन शॉट्स पर एक एक्सीलेंट पोजीशन दे सकता है जहां बॉल को पीछे जाने की जरूरत होती है। आपको क्यू बॉल पर लो एम करना होगा और इसे पूरा करने के लिए इसको फॉलो करना होगा। स्टिक को एलिवेट या जैकअप ना करें। एक बहुत अच्छी चीज है जिसे 30 डिग्री रूल कहा जाता है। इसके मुताबिक जब आपके पास एक रोलिंग क्यू बॉल शॉट होता है तो आपको मिलने वाले ज्यादातर एंगल्स 30 डिग्री के करीब होंगे। ये उस एंगल की तरह है जो आपको पीस साइन बनाने पर मिलता है।